आई एम जेन्युइनली वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस हैपन. जब आपका ऑफिस वर्क आपसे डिमांड करता है कि आपको सुबह के 4 बजे उठकर काम करना है बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट. बट इन अदर हैंड जब आप खुद से ये चीज़ कमिट करते हो कि आपको सुबह के 7 बजे उठकर वर्कआउट करना है, तब आप उसको एनी पॉसिबल रीज़न ढूंढ कर टालने की कोशिश करते हो कि चलो कल से शुरू करेंगे. इट इज़ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट. अगर सिर्फ यही एक रीज़न है तो एक बार गौर से सोच कर देखना. जब आप बिस्तर पर पड़े होते हो बीमारी की हालत में, जब आप हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होते हो, तब आपका पैसा आपके क्या काम आता है? इट इज़ ऑब्वियस कि आपका पैसा आपकी हेल्थ को सुधारने के काम आता है. सो अगेन इट इज़ ऑब्वियस कि आप जो भी चीज़ करते हो आपकी लाइफ में, जितना भी आप पैसा कमा लेते हो, अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो आप उस पैसे को कहाँ पर खर्च करोगे? देर इज़ नो पॉइंट टू अर्न दैट मनी जो आप सुबह के 4 बजे 3 बजे उठकर कमा रहे हो. अगर आपकी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपका वो पैसा किस काम का? जस्ट थिंक अबाउट इट. एक बार गौर से सोचना कि जब सारा का सारा मसला ही हेल्थ के ऊपर आके रुकता है, तो हम क्यों अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उन पैसों के लिए? पैसा आपकी हर एक छोटी से बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के काम आता है, पर जब आप हेल्दी ही नहीं रहोगे उस पैसे को स्पेंड करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अगर आप हेल्दी ही नहीं हो तो उस पैसे का आप क्या करने वाले हो?